हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, गुड न्यूज तो है ही कि चलिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा भारी मात्रा में और काफी तेजी से पैसा बच्चों का आना स्टार्ट हो गया है। अब पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनका पैसा आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो किन बच्चों का आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको अभी अभी कह लिए कि एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, यहाँ पे आपका पेमेंट वगैरह फेल्ड भी हो जा रहा है। और पेमेंट अगर आपका फेल्ड हो जाएगा, जैसे कि इनका अमाउंट वगैरह शो हो रहा होगा, और पेमेंट अगर आपका फेल्ड हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा होगा पेमेंट फेल्ड, तो बार बार आपका पैसा वगैरह नहीं भेजा जाता है विभाग के द्वारा। इसलिए कि आपको मालूम है कि अभी एक ही बार चला आता है तो वही बहुत बड़ी बात है। बार बार विभाग के द्वारा ये आपके फॉर्म के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, वहां पे बार बार आपका विभाग के द्वारा स्टेटस और कह लिए कि पोर्टल ओपन करके आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा, फेल्ड हो जाता है, तब आप समस्या में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। दो रीजन होते हैं आपके पेमेंट फेल होने के, तो कौन कौन से रीजन है, जैसे कि इनका दिख रहा होगा, और एक और रीजन होता है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर होंगे, फैक्ट टेक्स टेलीग्राम चैनल पर, जो यूट्यूब का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे हर एक प्रकार के अपडेट्स के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लगभग 50,540 एपीबीसीआर से क्रेडिट हुआ है उनका इनका। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 21/3/2024 में 5,000 क्रेडिट हुआ है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,250 रुपये एपीबीसीआर के थ्रू क्रेडिट हुआ है आधार पर हमें ब्रिज सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 21/3/2024 किट में। और ये सारे जितने भी कलियर के मैसेज हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड किए जा चुके हैं। हर एक प्रकार की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है, जितनी भी अपडेट आती है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी अपडेट आती हैं जो मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाता, या फिर कहिए कि कोई ऐसी एजुकेशनल अपडेट होती है जो मैं आपको टेलीग्राम ही पे सेंड करता हूं, कोई भी जानकारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं वो टेलीग्राम जरूर अपना कहिए क्रिएट कर लेंगे और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन रहेंगे हर एक प्रकार की अपडेट्स के लिए, चाहे वो यूपी स्कॉलरशिप की हो, चाहे फ्री टैबलेट की हो, चाहे अन्य जो भी एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह हो, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही दी जाती है। तो ये देखिए टेलीग्राम पे यहाँ पे जो शेयर किया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पैसे के बारे में, कि पैसा किनका वगैरह आ रहा है और भारी मात्रा में काफी तेजी से आपका पैसा वगैरह आया। तो जितने भी एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनका तो पैसा आ ही रहा है। इसके अलावा जो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, माइनॉरिटी का तो अभी नहीं आ रहा, जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी पैसा आ रहा है, लेकिन जनरल ओबीसी में कहिए कि गिने चुने, मतलब कि कुछ ही बच्चों का पैसा वगैरह आ रहा है, क्योंकि इनका प्रोसेस कल के बाद से स्टार्ट होगा, तेजी से भेजा जाएगा। अभी जो वरीयता दी जा रही है वो एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं को दी जा रही है, इनका भारी मात्रा में और काफी तेजी से आ रहा है, और एक ही इंस्टॉलमेंट आ रहा है, यानी कि हाफ हाफ आधा आधा ही पैसा आ रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आधा आधा आपका पैसा आ रहा है, और फिर से आधा आधा कुछ दिनों में करके आपका फिर से आधा आधा, यानी कि हाफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, वो आपका जल्दी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स परेशान है कि मेरा क्यों इतना ही कम पैसा आया है, तो आपका और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो भी आ जाएगा, पहले आधा आधा भेज दिया जाता है कि फंड की कोई समस्या ना हो, सभी बच्चों के पास कम से कम आधा आधा पहुंच जाए, और फिर से आधा आधा आपका जैसे ही फंड में जिस हिसाब से बचेगा मैनेज किया जाएगा, उस हिसाब से आपका भेजा जाएगा। दूसरा किस्त भी जो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स है उनका भी देखिए कल के बाद से तेजी से उनका भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आ रहा है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर कह सकते हैं, 2-4% बच्चों का ही पैसा वगैरह रहा है जिन्होंने मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर किया कि हाँ सर मेरा आ गया है। और इनका जो पैसा आएगा, जो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, इनका जो अब पैसा कल से कल या फिर जो आज आया है, इनका फुल यानी कि सेकंड दोनों इंस्टॉलमेंट आ गया, यानी कि पूरा पैसा इनका, जैसे पॉलिटेक्निक के काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास डाटा शेयर किए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के उनका 12,500 समथिंग आया है, तो उनका पूरा इंस्टॉलमेंट आ गया है। ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, इस प्रकार से ओबीसी का भी पैसा वगैरह आ रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ओबीसी और जनरल के बच्चों का बहुत कम मात्रा में आ रहा है। और कल के बाद से 22 तारीख के बाद से ऑफिशियल नोटिस में जो सारे डेट्स वगैरह मेंशन है, उसके बाद से तेजी से आपका पैसा वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। एक और यहाँ पे समस्या आती है स्टेटस वेरिफिकेशन को लेकर, और जो आपका पीएफएमएस पे वैलिडेशन स्टेटस रहता है, क्या इस डेट से भी कोई मतलब होता है? तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो आपके यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है, कभी वेरीफाई हुआ हो, दिसंबर में वेरीफाइड हुआ हो, जनवरी में वेरीफाइड हुआ हो, फरवरी में, मार्च में, आज जिनका पैसा आया पॉलिटेक्निक के बच्चों का 12 मार्च के डेट में, यानी कि लास्ट डेट में जाकर के उनका वेरीफाइड हुआ और फिर भी उनका पैसा चला आया है, ये जो पीएफएमएस पे आपका दिखाता है इससे थोड़ा बहुत मतलब रहता है। जैसे कि आपका वहां पे वैलिडेशन स्टेटस में दिखाएगा कि अपडेट हो गया है, डेट दिखाएगा, या फिर अंडर प्रोसेसिंग में दिखाएगा कि हाँ आपका अंडर प्रोसेसिंग में, मान लीजिए कि 18 मार्च को चला गया है, तो कभी कभी ये अंडर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपका 3 दिन के बाद से कभी भी पैसा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 18 तारीख हो गया, तो हो सकता है कि आपका 21 को आ जाए, 22 को आ जाए, 23 को आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 12, 13, 14, 15 इसी डेट में हो गया है, तो इसका इसके बाद से 3 दिन के बाद से आप 3 दिन भी लग सकते हैं, कभी कभी 1 हफ्ते भी लग जाते हैं, कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपका स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा अगर वहां पर आपका अंडर प्रोसेसिंग में है, पैसा वहां पर एक्सेप्ट हो गया, पीएफएमएस पे सारी चीजें वहां पर मेंशन थी, तो आपका पैसा आ जाएगा। जिन बच्चों का वहां पर रिजेक्ट वगैरह दिखा रहा था उनके भी अपग्रेडेशन का कार्य वगैरह भी वहां पे चल रहा है, इसलिए वेबसाइट वगैरह में समस्या है, सर्वर इधर है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वो भी ओपन हो जाएगा और आपका भी वहां पे अपडेट हो गया होगा। बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका ट्रांजैक्शन वगैरह यहां पे फेल ना हो। और यहां पे देखिए ट्रांजैक्शन इनका फेल क्यों हुआ है, यहां पे देखिए
अमाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सेट ऑन अकाउंट बाय बैंक, यानी कि काफी सारे अकाउंट होते हैं। मैंने आपको बहुत तीन चार वीडियो में बताया है कि आपके अकाउंट में जैसे आप ओपन कराते हैं अकाउंट वगैरह, तो उसमें लिमिट रहता है कि हाँ 1 लाख तक कह लीजिए ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, या फिर 1 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट होती है, या फिर 50,000 तक की मैक्सिमम लिमिट होती है, तो वो लिमिट आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये आप जाकर के बैंक से पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो समस्या आती है वो आती है NPCI की। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था उनका जो आधार सीडिंग की प्रक्रिया है वो वहां से बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया था, NPCI से मैपिंग जो था वो हट गया था, इस कारणवश उनका जो पैसा है वो फेल्ड हो गया था। और एक बार फेल्ड हो जाएगा तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, फिर दौड़ धूप करने लगेंगे समाज कल्याण विभाग में, और फिर आपका पैसा नहीं आएगा। तो इन सारी बातों को आपको चेक करते रहना है, ऑनलाइन तरीके से भी आप मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि आपके NPCI की मैपिंग की प्रक्रिया अभी फिलहाल में प्रचलित है, ऑन है, एक्टिव है या फिर नहीं, ये सारी चीज आप ऑनलाइन तरीके से मोबाइल फोन से भी जांच कर सकते हैं, मैंने सारे प्रोसेस बता रखे हैं। तो भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा वगैरह आ रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कल से इसका प्रोसेस और तेजी से स्टार्ट होगा। जितने भी जनरल OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका पैसा भेजा जाना स्टार्ट हो जाएगा। अभी खास करके जो कुछ ही बच्चे हैं जो जनरल OBC के हैं उनका आ रहा है, और भारी मात्रा में SC ST के बच्चों का पैसा वगैरह आ रहा है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।